हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस डिज़ाइन के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 3 नंबर के लड्डू गोपाल की। चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो कलर की ऊन ले लेते हैं। हम गाजरिया कलर की ऊन से सबसे पहले चैन बनाएंगे। चैन बनाने के लिए सबसे पहले नोट लगा लेते हैं या फिर क्रोशा हुक से ही नोट बना लेते हैं। ये हमने नोट बना लिए। अब हम इसमें भी एक चैन बन गई है नोट के साथ। अब इसमें हम 14 चैन बनाएंगे। एक बन गई, अब 13 और बनाएंगे। और ये 14, हमारी कुल 14 चैन हो गई है। अब हम 14 चैन के बाद 2 चैन और बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद हम 2 चैन तो शुरू की छोड़ देंगे और हमारी तीसरी चैन है उसमें एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। सिंगल क्रोशा बनाने के लिए ये तीनों को एक साथ शुरू में 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन के बाद एक बार ऊन को इस तरह लेते हैं, फिर हम चैन में इस तरह डाल के एक हुक में वापस से ऊन को इस तरह लेते हैं। 3 बन गए। अब 3 का हमको एक करना था, इसे हम सिंगल क्रोशा बोलते हैं। सभी चैन में हम इस तरह सिंगल क्रोशे बना लें। इस तरह हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने ये पहली रो कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमने 14 चैन के अंदर 14 सिंगल क्रोशे बना लिए और शुरू में हमने 2 चैन बनाई थी। इस तरह हमारे 15 सिंगल क्रोशे हो जाते हैं। अब अगली रो में बनाने के लिए हम शुरू में 3 चैन लेंगे और सभी चैन में हमको 2 डबल क्रोशे बनाना है। तो एक तो ये हो गया और दूसरा हमको ऊपर की चैन से ना लेके नीचे से लेना है। ये देखो नीचे इस तरह से एक तो हमारा हो गया। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए 3 के 2 का 1 करते हैं और फिर वापस में 2 का 1। इस तरह ये डबल क्रोशे बन गया। अब अगले में हम ऊपर चैन से ना लेके इसमें नीचे की तरफ से लेना रहता है। एक और ये 2, इस तरह हमारे डबल क्रोशे हो गए। अगले हुक में भी हम नीचे से लेंगे। इस तरह पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। सभी में हमको 2 डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हम लास्ट वाली में भी 2 डबल क्रोशे बना लेते हैं। इस तरह हमारे ये पूरे 30 डबल क्रोशे हो जाते हैं। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो में भी हमें डबल क्रोशा ही बनाना है, तो इसलिए हम शुरू में 3 चैन लेंगे। अब हमें क्या करना है कि शुरू में जो हमने चैन बनाई है एक से एक डबल क्रोशा तो ये हो जाता है। अब इस वाली ऊपर की चैन में नहीं बनाना हमको, हमें अब नीचे नहीं ऊपर की चैन में बनाना है। तो इसमें एक डबल क्रोशा तो ये हो गया। अब इस वाली चैन को छोड़ के हम दूसरी वाली में बनाएंगे एक डबल क्रोशा। तो इस तरह हमारे ये 2 डबल क्रोशा हो गए। अब अगली चैन में भी एक एक सिंगल हमको एक ही डबल क्रोशा बनाना है। तो ये हमारे 2, इस तरह हमारे 3 डबल क्रोशा हो गए। अब हम चौथे डबल क्रोशिया के अंदर 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, एक और एक 2 चौथे। फिर हमको पांचवे में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक एक डबल क्रोशिया बनाना है एक। फिर उससे अगले में छठे में भी एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमारे शुरू में हमने 3 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाया था। फिर चौथे में हमने 1 में 2 डबल क्रोशिया, अब हमने 2 एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब अगले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन में, 1 2। फिर हम वापस से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक चैन में। फिर उससे अगली चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 1 2। इस तरह हम इस रो को अब कंप्लीट कर लेंगे। बीच में हमें 2 बार तो एक एक डबल क्रोशिया बनाना है एक चैन में, फिर एक
तीसरे नंबर की चैन में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हम अपनी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने दो डबल क्रोशिया, उसके बाद एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया। अब अगली चैन में हम वापस से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब शुरू में हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए थे, इसलिए हम भी अब इसमें हम एक एक क्रोशिया ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, और ये लास्ट वाली जो हमने तीन चैन बनाई थी उसमें इस चैन में से हम इस तरह लेके एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह अब हमारी तीसरी रो में 36 चैन हो जाती है, 36 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। अब हमारे कान्हा जी की चोली ये बन गई। अब इसमें हम बाजू बनाएंगे। बाजू बनाने के लिए हम शुरू में हमने पहली रो में इसलिए नीचे से इसलिए लेते हैं जिससे इसकी लंबाई ज़्यादा ना हो और ये कान्हा जी का आराम से ऊपर बॉर्डर बन जाती है। अब चौथी लाइन में हम शुरू में तीन चैन लेंगे। एक तो हमने ये चैन को ही डबल क्रोशिया गिन लेते हैं, तो इस वाली चैन में ना बना के अगली चैन में बनाते हैं। अगली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो हमारे ये दो हो गए। पांच बनाएंगे, तीन, चार और ये पांच। पांच बनाने के बाद हम इसमें पांच बनाने के बाद हम इसमें अब आठ चैन छोड़ देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ चैन छोड़ देते हैं। आठ चैन छोड़ने के बाद हम अगली चैन नौवीं चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हम पीछे की तरफ दस डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो, तीन, दो, तीन, चार, ये हमने पीछे की तरफ दस डबल क्रोशिया बना लिए। दो, चार, छः, आठ और दस। दस के बाद हम वापस से आठ चैन छोड़ देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ चैन छोड़ने के बाद हम अगली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, अब शुरू में हमने पांच बनाए थे तो यहाँ भी हम पांच बनाएंगे। दो, तीन, चार, ये हमारी लास्ट वाली में हम इस तरह हमने पांच डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमारी ये कान्हा जी की दोनों तरफ की बाजू निकल जाते हैं। अब हम वापस से अगली रो के अंदर तीन चैन बनाएंगे। अब पहली वाली चैन को छोड़ के दूसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम सभी चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने ये पूरे एक एक डबल क्रोशिया सभी चैन में निकाल ली। इस तरह हमारी ये गोपाल जी की चोली पूरी हो जाती है। अब हम घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए सबसे पहले हम चोली को दूसरी तरफ से स्लिप स्टिच से स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। स्लिप चैन में पीछे से धागा लेके इसी में से निकाल देते हैं। ये हमारी बन गई। अब हम दूसरा रंग लगाएंगे। दूसरा रंग लगाने के लिए हम सबसे पहले इसको क्रोश आउट में इस तरह डाल के इसमें से निकाल लेते हैं। पीछे पहले वाले रंग को इस तरह इसमें से निकाल लेते हैं। पहले वाले रंग को इस तरह पीछे से खींच लेते हैं तो हमारा ये लग जाता है। अब हम पहली वाली चैन के अंदर
पहली चैन है उसके अंदर हम एक स्लिप चैन बनाएंगे, सिर्फ हमको स्लिप चैन बनानी है। दूसरे में भी हम स्लिप चैन बनाएंगे, दूसरी में स्लिप चैन बनाने के बाद हम तीन चैन और बनाएंगे। तीन चैन बनाने के बाद इसी वाली चैन में वापस से हम स्लिप चैन बनाएंगे। अगली चैन में हम एक स्लिप चैन बनाएंगे, उससे अगली में भी बनाएंगे, फिर हम तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन बनाने के बाद वापस से हम इसी में लेके एक स्लिप चैन बना लेंगे, इस तरह इस पकड़ के इसका खींच लेते हैं। अगले में एक चैन स्लिप चैन बना दी हमने, दूसरी में भी बना लेते हैं, इसके ऊपर हम तीन चैन बनाते हैं। तीन चैन बनाने के बाद वापस इसी चैन में हम एक स्लिप चैन बना देते हैं। एक के अंदर हमको स्लिप चैन बनानी है, दूसरे में ये चैन बना दी। वापस से हम तीन चैन बनाएंगे, इसमें वापस से हम स्लिप चैन से बना देंगे। इस तरह हमारी ये इस तरह की डिजाइन बन जाती है। अब इस तरह हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने एक स्लिप चैन बना ली, दूसरे में दूसरी बना ली। तीन चैन बना के अपना लूप बना लेते हैं। इसको इसी चैन से जोड़ देते हैं जो हमने पिछली बार बनाई थी। हमारा पहला लूप कंप्लीट हो जाता है, पहला रो कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरे रो में वापस से हम हमारा रंग देंगे, इसको इस तरह खींच लेते हैं। अब हम तीन चैन बनाएंगे और जब हमने पहली स्लिप चैन बनाई थी उसके पीछे वाली चैन से हम ये हमारी पीछे वाली चैन, इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक तो हमारा बन गया, दो और बनाने। एक अरे तीन डबल क्रोशिया, इस तरह हम हर बीच वाली चैन में तीन तीन डबल क्रोशिया बना लें। और इसमें भी हमको तीन डबल क्रोशिया बनाना है। एक बन गया इसमें, इसे अगली वाली में भी हमको तीन डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हमको ये रो कंप्लीट करनी है। इस रो को हम इस तरह तीन तीन डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने ये लास्ट वाली चैन में भी तीन डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसको इस यहाँ से अटैच स्लिप स्टिच से अटैच कर देते हैं। अब वापस से हमारा फिरोजी कलर लेंगे। पहली चैन में हम स्लिप चैन बनाएंगे, दूसरी चैन में भी स्लिप चैन बनाएंगे और फिर हम तीन चैन बनाएंगे। सेम स्टिच के अंदर वापस से स्लिप चैन बना लेते हैं। इस तरह हमारा वापस से लूप बन जाता है। अगले में स्लिप चैन, उससे अगले में भी स्लिप चैन, फिर तीन चैन बनाते हैं।
वापस इसी मिले जाते हैं। इसी तरह हम इस रो को अब कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी ये रो भी कंप्लीट हो जाती है, इसको इस चैन से हम जोड़ देते हैं। वापस से हमारा दूसरा रंग लेंगे। तीन चेन बनाएंगे, शुरू वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जोड़ लगाने से वो, हम पीछे की तरफ से इस तरह इसको थोड़ा लूज कर लेते हैं। अब हम इसमें दो डबल नोट और बनाते हैं। एक दो, इस तरह हमको ये रो भी इसमें सभी में हमको इसलिए रो की तरह सभी चैन के अंदर तीन तीन डबल क्रोशिया बनाना है और इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली, उसके ऊपर ये फिर कलर की रो भी कंप्लीट कर ली। अपना वापस से गाजरे कलर का ऊन लेंगे। तीन चैन बनाएंगे, पहली चैन में पीछे से इस तरह इसको थोड़ा लूज कर लेते हैं। अब पीछे की चैन से हम इसमें दो डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। पहली चैन में तीन डबल क्रोशिया हो गए, अगली चैन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे अगली में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने हमारी ये वाली रो भी, तीसरी रो भी कंप्लीट कर ली। अब इस रो में हम तीन चैन बनाएंगे, पहली चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन में हमारे तीन डबल क्रोशिया, अगली में हमको दो डबल क्रोशिया बनाना है। उससे अगली में भी हमको दो डबल क्रोशिया बनाना है। उससे अगली में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। पहली वाली रो में हमने प्रत्येक चैन में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाया था, उससे अगली में भी तीन तीन बनाया था। तीसरे नंबर वाली रो में हमने एक के अंदर दो डबल क्रोशिया, एक के अंदर तीन डबल क्रोशिया, और इस वाली रो में हम दो के अंदर तो दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम तीन डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने ये रो भी हमारी पूरी कर ली। अब अगली रो में हम तीन चैन बनाएंगे, हम घेरे के हिसाब से देख लेंगे। हमें शुरू में वही तीन डबल नोट बनानी है। एक तो हमारी हो गई, दो इसमें से हम और बना लेते। अगले में हम दो बनाएंगे, इससे अगली में भी दो ही बनाएंगे।
फिर वापस से हम तीन बना लेंगे। और हम इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने पूरी पोशाक पूरी कर लेते हैं। इसमें हमने पांच रो तो फिरोजी की और छह रो तो फिरोजी की, पांच रो हमने गाजरे की निकाली। लास्ट में हम धागे उनको काट लेते हैं। इस तरह इसमें गांठ लगा देते हैं। पहली रो में हमने तीन बनाए थे, दूसरी रो में तीन तीन बनाए थे, तीसरी रो के अंदर हमने एक बार दो बनाए, फिर तीन बनाए, चौथी रो में हमने दो बार दो दो बनाए और एक बार तीन बनाए, और लास्ट वाली रो में हमने दो बार तो दो दो बनाए फिर तीन बनाए। और हम घेरे को बिछा के देख लेते हैं कि जहाँ पे हमको घेरा उठा हुआ दिखता है, वहाँ उठा हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर हम लास्ट वाली रो में एक बार दो और एक बार तीन बना लेंगे। जहाँ भी हमको घेरा उठा हुआ दिखाई दे अपने हिसाब से एडजस्ट करके हम दो या तीन बना सकते हैं। अब हम चोली के गले का बॉर्डर बनाते हैं। सबसे पहले हम फिरोजी कलर की ऊन को चोली के नीचे की तरफ से जोड़ लेते हैं। चोली का बॉर्डर बनाने के लिए हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना रहता है। यहाँ पे सभी जगह दो दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम कोने पे आ जाते हैं वहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वहाँ पे हम दो चैन बनाएंगे, दो चैन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया और बनाते हैं। इस तरह हमारे कोने के ऊपर तीन सिंगल क्रोशिया हो जाते हैं। ऊपर की तरफ गले की तरफ हम एक एक चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह हम नीचे तक ले जाके चोली के पूरे बॉर्डर को पूरा कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हमको एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना रहता है, और नीचे की तरफ जाते हैं जब हमको एक के अंदर दो दो सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, और कोने के ऊपर हमें दो चैन लेनी रहती है, और कोने के ऊपर हमारे तीन सिंगल क्रोशिया बनते हैं, दो नीचे की तरफ और एक ऊपर गले की तरफ बनते हैं। इस तरह तीन सिंगल क्रोशिया बनते हैं और हम पूरा इसको पूरा कर लेते हैं। हमने पूरा बॉर्डर बना लिए, उनको यहाँ से कट कर देते हैं। इस तरह नोट लगाना, अब पीछे ले जाके दोनों को हम गांठ बांध देंगे। इस तरह हम बाजू की भी बना लेते हैं। बाजू में भी हम इसी तरह से शुरू कर लेंगे, नीचे से एक लूप ले लेंगे, शुरू में एक सिंगल क्रोशिया, अगले में हम इसमें तो हमें सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते ले जाए, सभी एक एक चैन। इस तरह हम ये बाजू भी पूरी कर लेते हैं। बाजू पूरी कर लेंगे और नीचे ले जाके हम गांठ लगा देते हैं।
फिर हमने ये दोनों बाजुओं की गले की बॉर्डर बना ली। पीछे हम गांठ लगा देते हैं, इस तरह हमारी ये पोशाक पूरी हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।